भी सबसे टॉप पे लाके रोक दिया। तारा मिलना ही बंद हो गया, इधर दिखाओ कभी कीड़ा कूड़ा ना बढ़ जाए तो खा रहे भी। सारा ठप्पू मेरे पे, मेरी शॉपिंग का ठप्पू भी मेरे पे लगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो काफी दिनों से हमारा 10K सेलिब्रेशन है वो पेंडिंग चल रहा था, तो ये दोनों ना बहुत टाइम से मुझे कह रहे थे कि ना तूने कोई पार्टी दी है, सेलिब्रेशन कुछ भी नहीं हुआ है। तो आज हमने सोचा है कि टाइम निकाल के थोड़ा सा हम लोग फैमिली टाइम एंजॉय करेंगे, थोड़ा सा बाहर घूम फिर के आएंगे, और जहां हम जा रहे हैं ना वहां बहुत मस्ती मजा होने वाला है। तो अर्णव एक्साइटेड हो जाने के लिए? बहुत अच्छी जगह है, और टाइटल और थंबनेल देख के तो आपको पता ही चल गया होगा। तो चलते हैं वहां पर जल्दी से, और फिर वहां जाके आपको मिलते हैं। खर्चा सारा मोनिका ही करेगी, हम भी करेंगे। खर्चा मेरा ही होगा, क्योंकि मैं इनको कह रही थी कि मेरी सैलरी आने वाली है कुछ दिनों में, तो हम फिर पार्टी करेंगे। तो ये कहते फिर वो बात पुरानी हो जाती है ना। तो वैसे भी काफी दिन हो गए हैं, और अभी चलते हैं, निकलते हैं, लेट नहीं करते हैं। गाइज, हम आ गए हैं सेक्टर 34 के मेले में, और यहाँ पर बहुत ही सुंदर डेकोरेशन हो रखा है। और अभी हमें लेनी है टिकट, और मैं आपको अंदर जाके दिखाती हूँ कितने सुंदर सुंदर झूले लगे हुए हैं। और अर्णव, आप एक्साइटेड हो? अर्णव तो इतना ज़्यादा खुश है ना, कह रहा है कि मम्मा ये सबसे अच्छा सेलिब्रेशन है हमारा 10K सब्सक्राइबर का, क्योंकि अर्णव को ये सब चीज़ें पसंद है। तो मैंने सोचा जो बच्चे को पसंद है वहीं लेके चलते हैं। तो पहले हम टिकट ले लेते हैं। टिकट लेते हैं, अंदर की एंट्री है और पर बंदा 30 रुपये रखी हुई एंट्री, मुझे लगा तीनों की एंट्री है। पता नहीं बच्चे की फ्री है, अभी जाके पूछते हैं काउंटर पर बच्चे की फ्री है या टिकट लेनी पड़ेगी। चलो चलते हैं, पहले टिकट ले लेते हैं। कितने? 30 रुपीज़। 30 की। और बच्चे की भी लगेगी? 3 साल से। ठीक है। सो गाइस, टिकट्स हमने ले ली हैं, और अब हम जा रहे हैं एंट्री करने के लिए। वो देखो कितना खतरनाक। सो गाइज, हमने एंट्री कर ली, और बहुत ही अच्छे अच्छे स्टॉल्स लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत सारी अच्छी अच्छी वैरायटी है ज्वेलरी, और यहाँ पर जूती की बहुत अच्छी वैरायटी है, और बहुत ही सुंदर सुंदर वैरायटी है। क्या प्राइजेस है भैया इसके? 100 रुपये का। और ये इयररिंग्स? सेम प्राइस सारा। तो यहाँ सेल लगाई हुई है ज्वेलरी की, बहुत ही सुंदर, 100 रुपीज़। और यहाँ पर ये जूती बहुत अच्छी लग रही है। क्या प्राइस है भैया? क्या प्राइस है भैया? 300। सो गाइस, मेले में हम आ गए हैं, और इतने सुंदर सुंदर झूले लगे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छे बड़े बड़े झूले लगे, और अर्णव से सबर नहीं हो रहा है। और मैं यहाँ पर देख रही थी इतने सारे मतलब स्टॉल लगे हैं ना, दिल कर रहा है शॉपिंग करके जाऊँ। और खाने पीने का भी इतना सामान है गाइस, खाने पीने की ऐसी स्टॉल लगी हुई है जैसे शादी में लगी होती है, स्टॉल ऐसी लगी हुई है। तो खाने पीने देख के मेरे तो मुँह में पहले ही पानी आ जाता है। पहले खाना नहीं खाएंगे क्योंकि उल्टी आ सकती है अगर झूले लिए तो। हाँ, थोड़ा झूले लेके खाएंगे यार। हाँ, झूले लेके खाते ही खाएंगे अभी। तो अर्णव कौन सा झूला लेना है? अर्णव को तो यही लेना है, किश्ती वाला। चलो आप भी लोगे ना यही? मुझे तो डर लग रहा है, क्या करें। तीन टिकट पता, एंजॉय करने है, तीनों बैठेंगे तो भी अच्छा लगेगा ना। मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ ऐसे। हाँ वैसे करना, बीच में बैठ जाना, कॉर्नर पे मत बिठाना मुझे। अर्णव और मैं तो कॉर्नर में बैठेंगे। नहीं नहीं, कॉर्नर पे नहीं, अर्णव भी नहीं बैठेगा कॉर्नर पे, अर्णव को मैं पकड़ के बैठूंगी। चलो टिकट। तो गाइस, अब चलते हैं हम इस झूले पे लेंगे झूले, क्योंकि काफ़ी ऊंचा है, एंजॉय करेंगे, ऊपर से देखेंगे कैसे लग रहा है सारा। नीचे जितना भी यहाँ पर मेला है ना, ऊपर से बहुत अच्छा लगेगा देखने में। हाँ, ऊपर से अच्छा भी लगेगा, और किश्ती वाले से ये बेटर लगता है मुझे, क्योंकि मैंने ये पहले भी लिया था और बहुत मज़ा आया था मुझे। तो यही वाला लेते हैं, टिकट ले लेते हैं। यही लेंगे ना, एक्साइटेड, खुश है। अर्णव के मुंह पे एक्साइटमेंट दिख ही नहीं रही है, पर अंदर से बहुत एक्साइटेड है। अर्णव, आपकी मम्मा ने क्या बोला था घर पे? मम्मा ने देने हैं ना टिकट के पैसे?
टिकट के पैसे तो मैंने ही देने हैं, मैंने निकाल लिए, देखो। चलो टिकट लो इनसे भैया से। कितने में है भैया टिकट? क्या प्राइस है? 80 रुपए, 3 टिकट दे दो। और बच्चे की कम है क्या? 80 है बच्चे की भी? सेम। तो गाइस 3 टिकट हमने ले ली है, अभी जा रहे हैं हम झूले के ऊपर। कितने राउंड मिलेंगे भैया? कितने टाइम तक बैठ जाओगे कह रहे हैं? अच्छा, थक जाओगे। मेरे से एक टिकट ही गिर गई थी, अभी वेस्ट हो जाते 80 रुपए। नहीं नहीं यार, टिकट के बिना तो एंट्री नहीं है। चलो चलते हैं झूले के ऊपर, तो एंजॉय करते हैं। चलो ऊपर बैठ के वीडियो बनाएंगे आपको, ऊपर से दिखाएंगे सारा, क्योंकि पहले बैठ जाएं। बैठो बैठो बैठो, आपका वेट थोड़ा ज्यादा, एक साइड बैठो यार। इसमें ना सब कुछ पिछले बार का एक्सपीरियंस याद है मुझे, हमें सबसे टॉप पे लगे रोक दिया। ओए हो यार, ये नजारा देखो पीछे का, वाओ कितना सुंदर लग रहा है ना मेला। पीछे देख, पूरा चंडीगढ़ का नजारा दिख रहा है यहाँ से। यार ये झूला बहुत अच्छा और मजेदार है, पर इसमें सेफ्टी पर्पस नहीं है, इसमें डर लगता है। ये लो, सेफ्टी पर्पस कर देता हूँ मैं। ओह माय गॉड, तेज हो गया, गुदगुदी आ रही है मेरे को भी। बिल्कुल नहीं डरता यार, अर्नू बहुत ले रहा है हमारा, अर्नू को बिल्कुल नहीं। मेरा रिएक्शन यार, ये अभी फास्ट कर रहे हैं, अभी और फास्ट कर रहे हैं। अर्नू अच्छा लग रहा है बहुत, हो जा यार। सच में मोनिका बहुत डरती है, जस्ट हम इस एक से पहले ही बैठे थे एक झूले पे, तो वहाँ भी मोनिका बहुत डर रही है। नहीं नहीं क्या है यार, वो किश्ती वाला देख के डर लग रहा है, देखा ना जरा उधर किश्ती की तरफ। तो एक झूला तो ले लिया, मजा बहुत आया अर्नब, मजा आया आपको? यार अभी कुछ खाने का दिल कर रहा है, खाना है आपने? हाँ अभी कुछ खिलाओ पहले, फिर लेंगे दूसरा झूला। पहले खाए? हाँ, पहले खा, क्या रहे कुछ खिलाओ पहले। मेरा ठप्पा लगाएगी अच्छा खासा। जैसे शादी में लगता है ना स्टॉल्स, वैसे स्टॉल्स लगाए हुए। यार मेरा दिल तो कर रहा है डोसा खाने का। अर्नब आपको क्या खाना है बताओ, जल्दी से बताओ। वो जो मुझे दिख रहे हैं चीजें, सारी चीजें खानी है। अर्नब कह रहा है जो जो मुझे चीजें दिख रही है मैंने सारी ही खानी है। ऐसे कैसे हो सकता है, एक बंदा सारी चीजें नहीं खा सकता। तो चलो खाते हैं। ये मीठी होती है? तो गाइस मैं तो मीठा ही खाऊंगा, मुझे शुरू से मीठा ही पसंद है। ये तो मीठे के शौकीन सबसे पहले यही आए। मोनिका कह रही है मुझे डोसा खाना है, इनको डोसा दवा देते हैं। अर्नब तुम्हें क्या खाना है? एक बार तालियां और हुडिंग तो बनती है यार। अर्नब कह रहे हैं मुझे खाना है वहाँ पर दही बल्ला या चाउमीन खाएगा ये, तो मीठा मुझे मिल गया, मीठा पहले मीठे ही देख लेता हूँ, मीठा ही खाता हूँ मैं। तो सर ये बीकानेरी जलेबी है, ये कह रहे पहले चेक कर लो खाने से पहले अगर खानी है आपने। बहुत अच्छी है, हम तो आज फूड ब्लॉगर बन गए ऐसा लग रहा है। टेस्ट करो कुछ, में पतली पतली अच्छी लगती है ना। मैं तो मीठा ही लेता हूँ कुछ। मीठा ले लो आप। तो हम लोग आ गए, हमने अपनी टेबल सजा ली है। अर्नब ने लिए दही भल्ले, मैंने डोसा। हलवा बहुत टेस्टी है, हलवा तो होता ही टेस्टी राजस्थानी। मुझे मीठा भी पसंद है आपको पता तो है, और हलवा तो मेरा वैसे ही फेवरेट है। चलो खाते हैं गरम गरम, इंजॉय करते हैं। और वहाँ पर लाइव परफॉर्मेंसेस चल रही है, डांस चल रहे हैं। उनके ना जनरेटर में तेल खत्म हो गया है, सारा ही सारा मेला ही बंद हो गया, एकदम सारा मेला बंद हो गया, अंधेरा छा गया चारों तरफ, सारे में अंधेरा ही छा गया। इधर दिखाओ कभी कीड़ा कूड़ा ना बड़े से बड़े डोसे में। अब तो खाने पीने का सवाल लेके आए हो इतना अंधेरे में। ओ आ गया शायद, लाइट चली गई शायद। सो गाइस हमारी तो पेट पूजा हो गई है, और मुझसे तो अब कोई झूला लिया नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे अपना पता है। अभी मेरी नहीं हुई है, आप लोगे झूला? नहीं झूला तो नहीं लूंगा यार, अर्नब ने लेना है। अर्नब ने ज्यादा कुछ कुछ खिलाओगे और ज्यादा कुछ क्या 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 मैं तो कुछ और खिलाओगे तो खा लूंगा। क्या खाना है आप लोग? तो ये बच्चों की तरह मुझे कह रहे हैं मुझे वो वाली गेम खिला जिसमें बंदूक मारते बंदूक चलाते हैं, रियल में तो कभी चला ही नहीं, चला के देख लेते हैं। मतलब रियल ही लगती है देखो। तो 50 के 50 कितने? 50 के 10 दे रहे हैं ये।
10 शॉट होंगे 50 तो पीस के। पांच अर्नव चलाएगा, पांच मैं चलाऊंगा। और मैं मैंने नहीं चलाना, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, आप खेल लो मजे करो। ठीक लो। ओ वाह, वो तीन गुब्बारे फोड़ दिए उन्होंने, वो चार, तो गाइस मेरे से तीन फूटे। अर्नव तूने कितने फोड़े हैं? फोर। अर्नव के फोर, अर्नव ने चार फोड़े हैं, तो अर्नव जीत गया इस गेम में। मैं सेकंड हूं। इसको ये लेना है ना, किसी देनी है। कौन सी वाली? येलो वाली। तो गाइस अर्नव वोटिंग कर रहा है, हमारा भी दिल कर रहा है, पर है ये बच्चों के लिए है। मुनिया आप तो बैठ सकते हो। हाँ, मैं डूब जाएगी किस्ती। नहीं, बहुत गहरा है ना डूबने के लिए, तो इसमें तो 20 फुट पानी है। मैं गिल्ली हो जाऊंगी, ऐसा जाऊंगी मैं घर। 20 फुट पानी तो नहीं है इसमें। बच्चा तो बहुत एंजॉय कर रहा है, अर्नव तो बहुत एंजॉय कर रहा है। तो है बच्चों के लिए, ज्यादा गहरा नहीं है वैसे, 2 फुट पानी है इसमें। तो मोनिका का भी दिल कर रहा है, इसको भी करा ही देते हैं एक बोर्ड। लेक पे चलेंगे, लेक पे। उसमें आपका खर्चा होगा, मेरा नहीं होगा, आज सारा मेरा जा रहा है वैसा। हाँ, ये तो है भाई, पार्टी आपकी तरफ से है ना। ये तो अच्छी पार्टी, मिलने में आओ, झूले लो, मजे करो, खाओ पियो, ऐश करो। तो गाइस हम एंजॉय कर रहे हैं, हमारे साथ साथ आप भी एंजॉय कर रहे हैं। और जो जो यहाँ पे लोकल है ना चंडीगढ़ से व्लॉग देख रहा है, आप लोग जरूर आओ, बहुत मजे आएंगे, और बच्चों को लेके जरूर आना अपने साथ में। सो गाइज, इंजॉय तो बहुत हो गया, बहुत पैसा इन लोगों पे मैंने खर्च दिया, थोड़ा अपने ऊपर खर्चूंगी। मैं सोच रही हूँ कि कुछ शॉपिंग शॉपिंग कर ली जाए, तो मुझे पहले जूती पसंद आई थी, वहाँ देखते हैं जूती मिल। ये अच्छी लग रही है मुझे ज़्यादा। कौन सी, ये वाली? हाँ, आप बताओ ये वाली की, ये वाली दोनों अच्छी है, देख लो दोनों लेनी है। पैसे तो आपने देने, मैंने थोड़ी देने हैं। यही ले लो, ये वाली, ये अच्छी है। कोई बात नहीं, चलो ये फाइनल, ये अच्छी है, ये कर दो भैया। तो गाइस मोनिका ने अपने लिए तो शॉपिंग कर ली है, अब हमें देखते हैं क्या दवाएगी भाई। आपके लाएगी यहाँ बहुत ही कम चीजें। ये देखो कितना बड़ा पॉपट हो गया था आज। तो आज हम ये लेके जाते घर। अर्नव ने कहा वैसे, ये भैया ने दो अलग अलग डाल दिए। ये भैया दोनों ना, मैंने ये सिलेक्ट किया है। हाँ, ये सिलेक्ट की थी हमने। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। तो गाइस ये तो मैंने खोल के देख लिया, नहीं घर पे जाके पता लगता हमें, एक जूती दूसरी देख दूसरी। सो गाइज हम आए थे शाम के 7 बजे और इस टाइम बज रहे हैं 10, और फुल इंजॉय किया। आप लोगों ने इंजॉय कर लिया ना? बहुत इंजॉय किया। हाँ, तो फुल हमारा पैसा वसूल हो गया। बहुत मजे किए अर्नव ने, तो बहुत मजे किए, और आपने भी मजे किया, आपने खाया अपनी बहुत कुछ है। अभी ना थोड़ा दिल कर रहा है कुछ और खाने का, दिल कर रहा है। बहुत ही सुंदर डेकोरेशन, और ये देखो जैसे राजमहल का गेट होता है ना वैसे बना रखा है इन्होंने। बहुत ही सुंदर डेकोरेशन कर रखी है, और जाने का तो मन नहीं कर रहा था, बट टाइम बहुत हो गया। हम ये देखो, ये देखो कितना अच्छा गेट है, इसके पीछे राजा महाराजाओं की तरह। तो गाइस, और जाने का तो मन नहीं, ऐसा लग रहा है कि और भी थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, बट अभी नहीं, टाइम 10 बजे की है, टाइम बहुत हो गया, बंद भी हो गया। अभी भी लोग एंट्री कर रहे हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें अभी चल रही हैं, बट हम चलते हैं घर, क्योंकि हमें 3 घंटे हो गए और अर्नव बहुत थक चुका है। अर्नव ने बोटिंग करी, उसके बाद मिक्की माउस वाले झूले पे भी चढ़ा था, इसको बहुत थकावट हो गया। अर्नव थक गया ना, मज़ा आया, अर्नव को बहुत मज़ा आया, अब चलते हैं घर। पर अभी मुझे कुछ जूस वगैरह पीने का दिल कर रहा है, वो मोनिका ही पिलाएगी। सारा ठप्पू मेरे पे, मेरी शॉपिंग का ठप्पू भी मेरे पे लगा है। आपकी जेब से खर्च करने में जो मजा आता है, वो अपनी जेब से मजा नहीं आता। चलो। सो गाइज, हम लोग घर आ गए, और रात इतनी ज्यादा हो गई थी इस टाइम, अभी हम 11 बजे घर पहुंचे हैं, और 10 बजे के बाद मतलब चंडीगढ़ की मार्केट तो बंद होने लग जाती है, मेला भी बंद हो गया था 10:15 बजे, तो मार्केट में तो हमें आइसक्रीम मिली नहीं, तो हम अपने घर के पास से ही हमने ये फलूदा लिया है, क्योंकि यहाँ पर जब हम पहुंचे ना, तो यहाँ पर फलूदे वाला खड़ा था, शुक्र है खड़ा था, आइसक्रीम मिल गई आपको। सो गाइज, आइसक्रीम हम इंजॉय करते हैं, इससे पहले कि ये गर्म हो जाए ठंडी ठंडी आइसक्रीम, इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ, और जल्द ही मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। जल्द ही मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एवरीवन।